नमस्कार दोस्तों दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो हम आपको बनाने वाले हैं वो वीडियो रहेगा जो बच्चे नए मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोलने जा रहे हैं या फिर जो खोल चुके हैं, हो सकता है उसमें भी कुछ सुधार हो जाए। तो कुछ हम इसमें वो चीजों को बताएंगे कि आप यदि नए मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोलने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सा एसेसरीज खरीदना चाहिए, कौन कौन से एसेसरीज आपके दुकानों में होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो नए है ना, उन लोगों के अंदर ये पता ही नहीं चलता है हम नया दुकान खोलने जा रहे हैं तो क्या खरीदें, क्या क्या हमारे दुकान में एसेसरीज मोबाइल रिपेयरिंग का होना चाहिए। क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के बाद सिर्फ रिपेयरिंग ही करो ये जरूरी नहीं है। दोस्तों आप रिपेयरिंग सीखो तो रिपेयरिंग तो आपको करना है, वहां से आपको अर्निंग तो करना ही करना है, लेकिन ये साथ में रिपेयरिंग के लिए कस्टमर कैसे आएगा, हमारी दुकान में ट्रैफिक कैसे आएगा, हमारी दुकान में ज्यादा कस्टमर कैसे आएगा, इस चीजों पर भी बात करना चाहिए, इस चीजों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इस चीजों पे यदि आप गौर देंगे ना, गौर करेंगे, ध्यान देंगे ना, तभी आपका मोबाइल रिपेयरिंग सीखा हुआ कामयाब होगा। क्योंकि आखिर मेरे पास दुकान में कस्टमर ही नहीं आ रहा है तो फिर हम रिपेयरिंग करेंगे क्या। सबसे बड़ी चीज है दुकान पे ट्रैफिक आना, मतलब जब ज्यादा पब्लिक आना, आपके दुकान के काउंटर पे कैसे ज्यादा पब्लिक आए, इस चीजों पे यदि आप काम नहीं करोगे तो जो भी आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखे हो या दुकान खोले हो तो इसमें भी आपको नुकसान होने वाला है। आपको हमेशा ये काम करना पड़ेगा कि हमारी दुकान पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे पहुंचे और कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या उसके लिए करना होगा। हमको रिपेयरिंग सीखने, रिपेयरिंग तो करना ही करना होगा, लेकिन उसके साथ में क्या एसेसरीज होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, क्या रखें क्या नहीं रखें, क्या क्वालिटी का रखें, क्या रेंज का रखें, कैसा पब्लिक हमारे पास में आ रहा है, ये सारी चीजों का ध्यान आपको देना पड़ेगा। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा, आप नया दुकान खोलने वाले हो ना तो ये वीडियो को पूरा प्रेम से देखना और ध्यान से देखना, दिमाग को एक जगह पे रख करके देखना। यदि आप दुकान खोल दियो तब भी आप वीडियो को देखना, हो सकता है आपका दुकान में कुछ चेंजिंग करने का बात इसमें निकल जाए। चलिए मोबाइल रिपेयर का जी दोस्तों आप दुकान चालू करते हो तो एसेसरीज में सबसे पहले जो आपके पास में होना चाहिए वो डाटा केबल होना चाहिए। क्योंकि डाटा केबल है ना दोस्तों वो बहुत ज्यादा खपत होता है, मतलब खराब भी होता है। डाटा केबल का रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा आता है, डाटा केबल का रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा रहता है। डाटा केबल जो है ये लगाते लगाते घिस जाता है, खराब हो जाता है, टूट जाता है बहुत, और यूज करते करते खराब भी होता है। तो डाटा केबल का जो रिक्वायरमेंट है वो मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में हमेशा होता है और अच्छा खासा होता है। डाटा केबल अपने दुकान में आपको रखना चाहिए, वो 2-3-4 वैरायटी का डाटा केबल रखना चाहिए। आपको डाटा केबल मार्केट के अनुसार से 50 रुपया में जो सेल होता है वो भी रखना चाहिए, 80 में सेल होता है वो भी रखना चाहिए, 100 में सेल होता है वो भी रखना चाहिए, 150 में सेल होता है वो भी रखना चाहिए, 200 में सेल होता है, मतलब कम से कम 5 मॉडल 5 प्रकार का डाटा केबल आप अपनी दुकान में रखोगे। डाटा केबल ऐसा चीज है ये कभी आपका फंसेगा नहीं दोस्तों, इसमें पैसा आपका बैठेगा नहीं, जो रहेगा आज न कल वो बिकेगा, मतलब बिकेगा। तो डाटा केबल आपको रखना बहुत जरूरी है नंबर वन में। नंबर टू हम देखते हैं क्या है अगला नंबर में दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान में बहुत ज्यादा सेल होता है वो हेडफोन, जानते हैं ना, जो 50 रुपए में हेडफोन बिकता है, 30 रुपए में हेडफोन बिकता है, 80 रुपए में हेडफोन बिकता है, 100 में बिकता है, 150 में बिकता है, 200 में बिकता है हेडफोन। गाना सुनने का सभी का शौकीन है और हेडफोन ये आपसे खरीदेगा ही खरीदेगा, तो हेडफोन रखना ना भूले। हेडफोन का वैरायटी भी आपको 5-6 प्रकार का आपको रखना है। यदि आपका बजट कम है ना दोस्तों तो ये सारे क्वांटिटी 5-5 पीस का करके खरीदोगे, लेकिन खरीदोगे जरूर, क्योंकि दुकान जब हम नए खोल रहे हैं तो हम जानते हैं कि नए दुकान खोलने में बजट बहुत लोगों के पास नहीं होता है, जिसके पास है उसके पास बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों के पास बहुत मिनिमम बजट होता है। तो कम से कम 5-5 मॉडल आप खरीदोगे, क्योंकि दुकान को थोड़ा डेकोरेट भी तो करना है, दुकान डेकोरेट नहीं रहेगा, दुकान भरा हुआ नहीं रहेगा ना, तो उसमें भी कस्टमर ज्यादा नहीं रुकता है, दुकान आपको भरा हुआ दिखना चाहिए। हम और भी ट्रिक आपको आगे बताने वाले, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। आप यदि इस फील्ड में आने वाले हो, मोबाइल रिपेयर का दुकान चालू करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, तीसरा जो ये है वो आपके पास में टेम्पर्ड ग्लास होना चाहिए। मोबाइल फोन में जो टेम्पर्ड ग्लास होता है दोस्तों वो बहुत जल्दी फूटता है, टेम्पर्ड ग्लास किसी घिस जाता है तो वो भी चेंज करता है,
और फॉल्टर चेंज किया वगैरह वगैरह कुछ काम कराया, तो टेम्पर्ड ग्लास तो चाहिए ही चाहिए। टेम्पर्ड ग्लास जो है वो आप नॉर्मल भी रखोगे, टेम्पर्ड ग्लास 11D, D प्लस जो भी अभी नए नए आते हैं वो सारे टेम्पर्ड ग्लास आपको रखना ही रखना है। टेम्पर्ड ग्लास जो है दोस्तों वो आप टेम्पर्ड ग्लास जो है वो कुछ ऐसे मॉडल टेम्पर्ड ग्लास होता है जो कि एक ठो टेम्पर्ड 4, 5, 6, 7, 8 फोनों में लगता है। ऐसे बहुत सारे टेम्पर्ड का ग्लास का मॉडल नंबर है, यदि आप बोलेंगे तो हम आपको मॉडल नंबर भी हम आपको बता देंगे, आप कमेंट करोगे तो हम मॉडल नंबर बता देंगे कि कौन कौन सा टेम्पर्ड ग्लास लगोगे, क्योंकि 6, 7, 8, 10, 10 फोनों में एक एक टेम्पर्ड ग्लास लगता है और अच्छे तरीके से लगता है। इसका भी कॉन्सेप्ट है कि कौन कौन सा मॉडल लगता है, वो आप हमें कॉमेंट करेंगे तो हम आपको आपको वीडियो बना देंगे कि कौन कौन सा मॉडल आप लोगे और कौन कौन रनिंग मॉडल है जो कि खूब ज्यादा बिकता है। आप टेम्पर्ड ग्लास लोगे बिल्कुल नहीं फंसेगा, ये चाहिए ही चाहिए। उसके बाद चलते हैं अगला, क्या है अगला, है चार्जर, कीपैड फोन का चार्जर। दोस्तों कीपैड फोन का जो चार्जर आप रखोगे ना वो हमेशा गारंटी वाला रखना, नॉन गारंटी कभी नहीं। जहां पे आपको गारंटी वाला मिलेगा गारंटी वाला ही चार्जर लेना है, क्योंकि चार्जर में कभी कभी प्रॉब्लम भी आता है तो उसमें आपको टेंशन नहीं होगा। 6 महीने का गारंटी वाला चार्जर लोगे हमेशा। चार्जर जो है LG 3500 का लोगे, एक आपको M600 लेगा। देखो चार्जर कौन कौन मॉडल लेना है, LG 3500 एक लोगे वो चार्जर आपके पास में होना चाहिए, M600 जो कि सैमसंग का चौड़ा वाला होता है वो भी बहुत ज्यादा सेल होता है, उसके बाद जियो का चार्जर, ये 3 ठो नॉर्मल चार्जर आपको रखना ही रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं बैटरी, बैटरी जो होता है दोस्तों वो कीपैड फोन का 2 मॉडल हॉट मॉडल है, ये बैटरी आपके पास होना ही होना चाहिए, ये बैटरी बहुत ज्यादा सेल होता है। एक है BL5C, ये बैटरी खूब फोन में लगता है। आपका जो चाइनीज आ गया, आईटेल वाइटेल आ गया, जितने छोटे छोटे फोन आ गए कीपैड वाले, सब में ये बैटरी लग जाएगा। एक मॉडल का ही बैटरी ले लोगे आपका बिकेगा ही बिकेगा, ये नहीं आपका दुकान में रहने वाला है, ये बैटरी अपने पास जरूर रखना। और एक ठो सैमसंग का X200 बैटरी भी अपने पास में 5 पीस रखोगे लेकिन जरूर रखना, ये हॉट मॉडल है, ये बहुत ज्यादा सेल होता है। आप जितना रखोगे आपका सेल होगा, पैसा इसमें फंसने वाला नहीं है। जो हम आपको एसेसरीज बता रहे हैं उसमें बिल्कुल पैसा नहीं फंसने वाला है वो बता रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे एसेसरीज आते हैं। ये हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि जो नए बच्चे ना उसको पता नहीं क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है उसके पास पैसा कम है, कम पैसे में उसको दुकान चालू करना मेरे भाई, और कम पैसे में दुकान चालू करने के लिए बहुत एसेसरीज है, उन सारे के पीछे मत पड़ जाना। आप उसके बारे में पहले काम करना जो ज्यादा हॉट हॉट है, जो ज्यादा सेल होता है, जिसका कस्टमर ज्यादा आता है। ऐसा ना हो कि नया नया दुकान खुले कस्टमर आ रहा है और रिटर्न चला जा रहा है, जो चीज चाहिए कस्टमर को वो मेरे पास है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। शॉपिंग करोगे बड़ा ध्यान से, नहीं आपको समझ में आएगा हमको कॉल करके पूछोगे, मेरे जो भी स्टूडेंट है उनको रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप कुछ परचेज कर रहे हो एक्सेसरीज वगैरह कुछ भी और आपको नहीं समझ में आया तो जरूर हमें कॉल करके जरूर एक बार पूछ लेना है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये ब्लूटूथ स्पीकर, ये भी मार्केट में काफी डिमांड है और काफी चलता है। ब्लूटूथ स्पीकर आप कम से कम 5 मॉडल कर 5 ठो जरूर रखोगे अपने दुकान में। दोस्तों ब्लूटूथ स्पीकर ये सब जो है ना सुनने का चीज है, ये थोड़ा महंगा खरीदना लेकिन क्वालिटी खरीदना, क्योंकि ये सबसे कस्टमर और कंज्यूमर और कस्टमर को लेकर के आता है। यदि आपका क्वालिटी अच्छा होगा ना तो बिकेगा अच्छा, ये भी गारंटी का आता है, वो भी आप ले सकते हो दोस्तों। और ये आपके पास होना चाहिए, स्पीकर बिकता है बिकता है, आपका दुकान कहीं भी होगा ये सेल होता ही है, हॉट सेल है ये सब। आगे बताते हैं, आप दुकान खोल रहे हो दोस्तों तो आपके दुकान में रिचार्ज जरूरी ही जरूरी है, क्योंकि रिचार्ज से कमाई नहीं है, रिचार्ज से इनकम नहीं है, लेकिन रिचार्ज से कस्टमर आपके पास में आएगा। कस्टमर कैसे आएगा, रिचार्ज कराने के लिए आएगा। आप बोलोगे सर सब तो फोन पे ही रिचार्ज कर लेता अपने से, सर ऐसा नहीं है, सब नहीं कर पाता है, बहुत लोग अभी भी रिचार्ज दुकान जाता है। जो वीडियो देखेगा ना जो पुराना मिस्त्री है ना वो बोलेगा ये बकवास बता रहा है सर, नए जो स्टूडेंट है ना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, उसको जानना बहुत जरूरी है। ये सब चीजों के बारे में हमें बताना है क्योंकि हम एक टीचर हैं, हम बच्चे लोगों को सिखाते हैं, तो ये सारे चीज रिचार्ज आप हो सकता है आपका दुकान खूब रनिंग हो जाएगा उस समय ये सब चीजों को हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप नए दुकान दे रहे हो ना तो बड़ा ध्यान से देना पड़ेगा, नहीं तो दुकान बंद करना पड़ सकता है। बड़ा ये ध्यान से देना पड़ेगा कि मेरे पास कस्टमर ज्यादा संख्या में कैसे आएगा। अरे कस्टमर मेरे पास ज्यादा आएगा, ज्यादा मेरे दुकान में भीड़ होगा तब तो हमको रिपेयरिंग मिलेगा, तब तो हमारा एसेसरीज बिकेगा, वो सब के लिए ये सब होना बहुत जरूरी है। तो रिचार्ज करना नहीं भूलना, आपको नहीं बचेगा इसमें, लेकिन यही आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, एक आएगा रिचार्ज कराने के लिए,
देखेगा तेरा दुकान में एक हेडफोन पसंद आ जाएगा, ले जाएगा, उसमें बेनिफिट हुआ ना। आया था किसके लिए? रिचार्ज कराने के लिए। लेकिन क्या काम किया? हेडफोन ले लिया, ब्लूटूथ स्पीकर ले लिया, कुछ जैक बना लिया, कुछ रिपेयरिंग करा लिया। समझ रहे हो कि नहीं? कराया क्या दिक्कत है? आएगा रिचार्ज करने के लिए, कम से कम देखेगा ना कि चलो ये दुकान में रिपेयरिंग भी होता है। जब फोन खराब होगा तो आएगा, जब एक्सेसरी जरूरत पड़ेगा तो आएगा। कस्टमर एक बार देखेगा तब तो। इसलिए रिचार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। उसके बाद दोस्तों एंड्रॉइड फोन का चार्जर, एंड्रॉइड फोन का चार्जर जो है वो जो अभी आ गया है 85 वाट का, 100 वाट का, 120 वाट का, ये सब रखना। सिंगल सिंगल केबल एडेप्टर रखना, डबल ट्रिपल, ये सब का डिमांड अभी चल रहा है। तो चार्जर भी 4-5 मॉडल का जरूर अपने पास होना चाहिए। चार्जर जब भी आप रखोगे दोस्तों गारंटी वाला रखना, नॉन गारंटी मत रखना। चार्जर गारंटी वाला आता है, गारंटी वाला रखना। इसमें आपको एक भी पैसा का लॉस नहीं होने वाला है। और ये बिकेगा तो बिकेगा, आज नहीं तो कल बिकेगा। इसका डिमांड है, मार्केट में खूब चल रहा है, तो चार्जर जरूर रखना। उसके बाद दोस्तों आते हैं कवर। कवर जो है वो ज्यादा मत रखना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कवर आप ज्यादा क्वांटिटी में मत खरीदना। यदि आपका बजट ज्यादा है तो आप खरीद सकते हो, बजट नहीं है तो बॉस कवर बिल्कुल कम खरीदना। क्योंकि कवर में क्या क्या दिक्कत होता है हम आपको बता रहे हैं। अभी नए नए कवर जो आ रहा है ना, वो कवर बहुत तो रखा रखा खराब हो जाता है, उसका कलर उड़ जाता है, वो पुराना दिखने लगता है, फिर रखा रखा नया मॉडल आ जाता है तो वो दिखता ज्यादा नहीं है। कवर आप रखना, देखो सिलिकॉन का कवर रखना, सिलिकॉन का थोड़ा 10-20 क्वांटिटी कवर रखना। और ये रहेगा प्रचार के लिए कि आपका दुकान में कवर लगा रहेगा, जिससे कस्टमर को पता चलेगा कि आपके पास कवर भी बिकता है। कवर ज्यादातर कोशिश करना ऑर्डर पे देना, और कवर सिलिकॉन का रखेगा। ये यदि कवर आपका ज्यादा दिन तक भी रहेगा ना तब भी ये बिकेगा। ये कवर सॉफ्ट होता है, और ये कवर आप एक साल बाद भी बेचोगे तब भी ये कवर बिकेगा। और जो नए नए बहुत सारा क्वालिटी का आता है ना, वो सारे नहीं बिकेगा, वो आया और गया। लेकिन ये कवर आपका बिकेगा। यदि आप कवर लोगे तो सिलिकॉन का कवर लेना, आपका बेस्ट रहता है, कस्टमर का भी ये पसंद है। उसके बाद चलते हैं आगे दोस्तों। आप अपने दुकान में स्टिकर अभी आया है ना, ये सब फोटो वाला स्टिकर, ये जरूर रखना। ये स्टिकर में बेनिफिट क्या है? जितने भी कोई फोन लेकर के आए, नए फोन लिए हैं, तो उसको बताना है कि पीछे का स्क्रैच वगैरह हो जाएगा वगैरह वगैरह, इसको आप लगा लोगे तो अच्छा रहता है। तो ये बिकता है, कम में आता है, अच्छा मार्जिन भी होता है। दूसरी चीज, ये लगाने में बबल वगैरह रहने का कोई झंझट नहीं होता है। दूसरी चीज, किसी का कोई फट उठ गया है, टूट उठ गया है, तो उसके ऊपर में ये लगा देता है। तो ये अभी मार्केट में चल रहा है, आप स्टिकर को रख सकते हो दोस्तों, ये रिकमेंड करेंगे। ये कम में आपको आ जाएगा और अच्छा मार्जिन देगा कस्टमर इससे। इसमें क्या होता है, कार्टून वर्टून का बहुत सारा फोटो रहता है, बच्चा लोगों का भीम वीम का फोटो रहता है, भगवान वगैरह फोटो रहता है, बहुत सारा। तो लोगों का अलग अलग, लोगों को अलग अलग च्वाइस है। तो आप अपने एरिया में देखोगे आपके एरिया में क्या च्वाइस है, उस तरीके से स्टिकर रखोगे, आपका अच्छा बिकता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, आप यदि नया दुकान खोल रहे हो ना, तो यदि बिल्कुल कम बजट है ना, तो प्रयास करना कीपैड फोन, कीपैड फोन 2-4-5 मॉडल को रखना। जो आइटल वाइटल होता है जिसमें मार्जिन आपको अधिक मिले, वो वाले फोन रखना, ये रिक्वायरमेंट होता है और ये चलता है, ये आप रख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ऑक्स केबल, जो हम लोग ब्लूटूथ स्पीकर में कभी देखते हो और मोबाइल से बजाते हैं, बॉक्स में बजाते हैं, आपका गाड़ी कार वार में गाना बजाना, तो ऑक्स केबल का यूज होता है। तो ये भी बिकता है, कम से कम 5 पीस इसको तो जरूरी रखना, क्योंकि कस्टमर आएगा तो रिटर्न ना जाए। ज्यादा महंगा नहीं आता, सस्ता ही आता है। गारंटी वाला थोड़ा अच्छे क्वालिटी वाला लीजिएगा, ताकि कस्टमर को परेशानी, देखो कस्टमर का परेशानी हुआ समझो आपका परेशानी हुआ। कस्टमर को जितना आप हेल्प करोगे, आपके पास कस्टमर दौड़ा आएगा और खूब आएगा। कोई बोलता है मेरा दुकान चल नहीं रहा है, कहीं नहीं चल रहा है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो बात अच्छे से नहीं करता, कस्टमर को सर्विस अच्छे से नहीं देता, कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छे से नहीं देता, बोलता कुछ और देता कुछ और, ऐसा कभी मत करना। आपको लंबे समय तक टिकना है मार्केट में ना, तो आप अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करोगे और अच्छा काम करोगे, कभी ज्यादा झूठ नहीं बोलोगे। देखो ये जो है दोस्तों, ये आप जानते हैं ओटीसी केबल, ओटीसी केबल का भी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ये भी केबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रखना है रखना है। ओटीसी केबल का रिक्वायरमेंट होता है आजकल बहुत सारे फोनों में। सी टाइप रखोगे, वी टाइप रखोगे, केबल वाला रखोगे, रन केबल रखोगे, ये जरूर, ज्यादा महंगा आता नहीं, बिल्कुल सस्ता आता है। तो ये चीज, ये जो हम बताएं दोस्तों, ये सारे हॉट प्रोडक्ट थे, जो कि ये प्रोडक्ट खूब ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है। और मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोलोगे तो साइबर कैफे का काम करना बिल्कुल मत छोड़ना। एक प्रिंटर का तो जरूरत पड़ेगा, उसमें साइबर कैफे का यदि आप काम करते हो ना, तो उसमें जेरोस कराने के लिए आता है, प्रिंट आउट कराने के लिए आता है, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आता है, पैसा लेन देन का काम जरूर करना।
ये सारे चीज यदि आप इतने वैरायटी का काम रखोगे ना तो 100% आपका दुकान में ट्रैफिक्स रहेगा, कस्टमर ज्यादा रहेगा, और कस्टमर ज्यादा रहेगा तो आपका दुकान में सेल भी होगा, आपका दुकान में सर्विस भी होगा, तब आपको मजा आएगा। क्योंकि नए दुकान खोल करके बैठ जाओगे, सिर्फ रिपेयरिंग करोगे ना दोस्तों, तो आपको पास कस्टमर ज्यादा नहीं आएगा। शुरू में आपको कौन जानता है, आपको बहुत कम लोग जानता है, कहां से कस्टमर आएगा। कस्टमर लाने के लिए बहुत सारा चीज करना पड़ता है, आप जानते हो ना, तालाब में बंसी को फेंकते हो ना तो खाली बंसी फेंक देना, मछली उसमें आता है क्या, नहीं आता है। उसमें आपको क्या डालना पड़ता है, चारा डालना पड़ता है। तो आपको अपने एरिया में दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमारे दुकान में कैसे कस्टमर आएगा, क्या क्या चीजों को हम रखें जो कि हमारे पास ज्यादा कस्टमर आएगा। दोस्तों कुल मिलाकर के भीड़, जितना भीड़ होगा उतना कस्टमर आएगा, जितना कस्टमर आएगा उतना सेल होगा, उतना सर्विस होगा, उतना आपको बेनिफिट होगा। आप दुकान क्यों खोले, पैसा कमाने के लिए। आप दुकान क्यों खोले हो, पैसा कमाने के लिए। आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखने क्यों आए, पैसा कमाने के लिए। तो कुल मिलाकर पैसा कमाना है ना, पैसा कमाने के लिए जितने चीज बोले उस पर ध्यान दो, कॉपी में नोट कर लो, और ये सब चीजों पे ध्यान देकर के चीजों को करना शुरू करो। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियो को देखे, बहुत ही कीमती समय देकर के, उसके लिए दिल से धन्यवाद। इतने सारे प्रोडक्ट के बारे में हम बताएं, क्या आपको प्राइस के बारे में जानकारी है, क्या आपको प्राइस भी इसका चाहिए ताकि आप कहीं लेने जाए और वहां पे आपको ठक भी ना ले। तो यदि प्राइस चाहिए तो कॉमेंट करो कि सर हमें सारे प्रोडक्ट का प्राइस के साथ में वीडियो बना दीजिए, तो प्रयास करेंगे हम प्राइस के साथ में भी वीडियो बना देंगे ताकि आप अपने मार्केट में अच्छे से एसेसरीज को खरीद सकते हो। दोस्तों आप सभी को दिल से नमस्कार। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम फिर से वीडियो आपके लिए बनाने के लिए रेडी होते हैं। आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद दोस्तों।